उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती अंतर्गत कस्बा इकोना में आज दिनांक 2 फरवरी 2020 को खाद्य सुरक्षा टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिसको लेकर दुकानों में हड़कंप मच गया और अपनी अपनी दुकानें बंद करके रफू चक्कर हो गए। आपको बताते चले कि दिनांक 2 फरवरी शाम को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ इकोना कस्बे में प्रतिष्ठानों का लाइसेंस तथा पंजीकरण का निरीक्षण किया, जिसमें करीब 6 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण व लाइसेंस चेक किया गया और पाया गया कि उनके पंजीकरण दुरुस्त पाए गए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीवास्तव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी के लाइसेंस दुरुस्त पाए गए। हाँ, इतना जरूर कमी पाएगी कि प्रतिष्ठानों के मालिक अपना लाइसेंस दुकान में चस्पा नहीं करते हैं। इसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने लाइसेंस दुकान के अंदर चस्पा करें। स्थानीय लोगों की शिकायत पर इकोना बाईपास पर स्थित क्रीम निकालने की 2 मशीनों का खाद्य सुरक्षा टीम ने निरीक्षण किया और वहाँ की गंदगी को देखते हुए कड़ी फटकार लगाई तथा आगे इस पर ध्यान देने को कहा। इकोना कस्बे में उमा शंकर किराना स्टोर, प्रकाश किराना स्टोर, इंद्रसेन किराना स्टोर, सुमन जलपान गृह, वाह जी वाह फूड आदि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कौना श्री वीरेंद्र यादव तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिंगा श्री विजय बहादुर भी रहे। आप परिचय बताएं और क्या कार्रवाई हुई मार्केट में? मैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रावस्ती अमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जो है सहायक खाद्य महोदय के निर्देशन में, ठीक है, आज मार्केट में लाइसेंस और पंजीकरण चेक किए गए हैं। 5-6 दुकानों को यहाँ पे चेक किया गया। कार्रवाई कोई नहीं, कार्रवाई नहीं, पंजीकरण उनके पास पाया गया है नहीं पाया? अच्छा, गया चेकिंग करवा। ये चेकिंग किया है, मैंने खुद किया है और जो है पंजीकरण सभी जगह पाए गए, पंजीकरण लाइसेंस पाए गए। कोई अनियमितता नजर नहीं? नहीं, अनियमितता इसमें नहीं है। बता। अखंड भारत न्यूज के लिए दद्दन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत जमनोहन अवस्था में रिक्त प्रधान पद का चुनाव हेतु शासन आदेश अनुसार 3 फरवरी 2020 को निर्धारित किया गया था, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए। मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय नौबस्ता में मतदान के लिए 3 बूथ बनाए गए हैं। मतदान कर्मचारी व समुचित पुलिस बल मुस्तैद है। प्रभारी निरीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न गाँव का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गश्त करते हुए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रधान पद के दावेदार के लिए 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग का फैसला कल मतदाताओं द्वारा मत पेटी में पैक होना है। वहीं इस उप प्रधान पद के चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी गहमा गहमी है। आपको बताते चले कि यहां के प्रधान ताजुद्दीन के निधन के बाद ग्राम प्रधान का पद रिक्त था, जिसकी वजह से ये मतदान कराया जा रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराई। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विधानसभा सिधौली अंतर्गत थाना अटरिया के ग्राम पंचायत कुंवरपुर में जहां प्रधान और सेक्रेटरी व सफाई कर्मी की मिलीभगत चल रही है, जिसके चलते सफाई कर्मी नालियां साफ करने नहीं आता है। जब हमारी टीम अखंड भारत न्यूज चैनल ग्राम पंचायत कुंवरपुर पहुंची तो वहां पता चला कि सफाई कर्मी नालियां साफ करने नहीं आता है और नालियों में कचरा भरा हुआ है, जिससे घातक बीमारियों का फैलना तय है। इन्हीं मुनासिब लोगों के कारण प्रधानमंत्री योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहां के बैठे अधिकारीगण प्रधानमंत्री योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अखंड भारत न्यूज के लिए अमित कुमार के साथ गोविंद रात की रिपोर्ट, सीतापुर।